इन दिस क्वेश्चन वी आर गिविंग दैट फाइन द नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन टू एक्स क्वेयर प्लस मॉड्यूलस ऑफ फोर एक्स माइनस नाइन इज इक्वल्स टू सेवन तो जब भी हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया जाए और ऐसा मॉड्यूलस हो तो देखो इससे दो केस हमें बनाने पड़ते हैं एक पॉजिटिव के लिए और एक हमें बनाना पड़ता है एक केस नगेटिव के लिए ठीक है दो केस कैसे निकल के आते हैं कभी क्या होता है फर्स्ट एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है ठीक है पॉजिटिव या फिर एक्स क्या हो सकता है लेस देन ज़ीरो भी तो हो सकता है नेगेटिव तो जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या बताए ये पॉजिटिव होगा तो आप क्या लिखोगे फंक्शन को टू एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स माइनस नाइन इज इक्वल्स टू सेवन और जब भी एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तो आप फंक्शन को क्या लिखोगे इक्वेशन को मतलब टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू सेवन चेंज बस क्या हुआ साइन मॉड्यूल से दो चीज़ें निकल के आती हैं या तो एक्स ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव हो सकता है और या फिर एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तो ये नेगेटिव होगा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव का साइन लगा लेस देन जीरो है तो नेगेटिव का साइन लगा अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टू एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस नाइन माइनस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो और ये इसको हम लास्ट में लिखेंगे सॉल्व करके टू एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटीन और इसको हम क्या लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायेयर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन माइनस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो या फिर टू एक्स स्क्वायेयर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इन दोनों क्वेश्चन ये दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गए हैं हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेंगे यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से भी तो फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं इसमें से टू कॉमन आउट आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट और इधर से भी टू कॉमन आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो ये हमारी दो क्वाड्रेटिक कॉर्डिटिक्वेशन हो गई हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा कॉर्डिनेटिव फॉमूला के थ्रू सॉल्व करते हैं आप स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं कॉर्डिनेटिव फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो हमारा बी कितना है टू मतलब माइनस टू प्लस माइनस बी का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर इंटू ए ए वन है और सी हमारा हो जाएगा माइनस एट अपॉन टू इन मतलब टू इंटू वन हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस टू प्लस माइनस 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 प्लस एट फोर फोजा थर्टी टू एंड थर्टी टू प्लस फोर थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स होता है सिक्स का रूट सिक्स डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ से आप एक बार पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू जब कंसिडर करेंगे तो ये होगा माइनस टू प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू तो इसकी वैल्यू आएगी सिक्स माइनस टू फोर डिवाइड बाई टू टू और एक बार जब नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस सिक्स डिवाइड बाई टू तो ये माइनस एट बाई टू माइनस फोर आ जाएगा तो हमारी दो वैल्यूज आ गई है एक्स की अब देखिए हमने इस केस में क्या लिया हुआ था एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है एक एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है टू और एक एक्स की वैल्यू आ रही है फोर तो ये वाली हमें क्या करनी पड़ेगी एलिमिनेट बिकॉज एक्स इज़ ओनली ग्रेटर देन ज़ीरो और ए की वैल्यू आ रही है तो पहला एक तो सोल्यूशन आ गया टू ये हो ही नहीं सकता है ठीक है अब हमारी दूसरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं ये दी गई थी इसमें भी स्प्लिटिंग मिल्ट वो स्प्लिटिंग डो मिल्ट या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं तो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू ए ठीक है तो ये आपकी वैल्यू आएगी माइनस टू प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर माइनस फोर जीरो खत्म हो जाएगा अपॉन टू ठीक है तो आप इधर तो कुछ बचेगा नहीं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू बाय सॉरी दिस वुड बी पॉजिटिव टू तो टू बाय टू मतलब वन अब इसमें हमने केस में इस कंडीशन में क्या था हमारा एक्स लेस देन जीरो लेकिन जो हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही वन एक्स इज़ नॉट लेस देन जीरो तो यहाँ पे भी हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा तो हमारे दो सल्यूशन यहाँ पे निकलते हैं दो सोल्यूशन यहाँ पे लेकिन इधर भी जो दोनों सल्यूशन है वो वन और वन है और दोनों क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो जबकि कंडीशन क्या थी एक्स शुड भी लेस देन ज़ीरो तो यहाँ पे दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और ये वाला जो केस था इसमें हमारा क्या था एक्स ग्रेटर देन जीरो तो एक वैल्यू आई थी टू और एक आई थी माइनस फोर तो माइनस फोर एलिमेंट हो जाएगी और सिर्फ एक ही सोल्यूशन रहेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन इज ओनली वन सॉल्यूशन और जो क्या है टू थैंक यू